एनसीसी भर्ती परीक्षा 2023 क्विज टेस्ट 24 टेस्ट पूरा दीजिएगा। 20 का 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे मात्र 5 सेकंड का टाइम मिलता है। सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। सुबह में 8 बजे आपका कंपटीशन क्लास शुरू किया जाएगा, डेली रात को 8 बजे लाइव क्लास होती है, टाइम से कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी को जय हिंद। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी के ग्रुप कमांडर का कौन सा रैंक होता है? जनरल रैंक, ब्रिगेडियर, कर्नल या लेफ्टिनेंट जनरल? एनसीसी के ग्रुप कमांडर का रैंक कौन सा होता है? और सारे क्वेश्चन आपके भर्ती के पूछे गए ओरिजिनल हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ब्रिगेडियर। सेकंड, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन ए? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन? ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन आते हैं, तो टेस्ट पूरा देना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करके बताना। एक त्रिभुज के दो कोण 90 डिग्री और 30 डिग्री है, तो तीसरा कोण बता। 70 डिग्री, 60 डिग्री, 80 या 90? 5 सेकेंड टाइम मिलेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लस माइनस करना है बस। तो इसमें क्या होगा, 180 होता है, तीनों का इसमें से माइनस कर देंगे दोनों को ऐड करके, तो 180 माइनस 120 डिग्री, तो आ गया 60 डिग्री लिखना है। ठीक है, ऑप्शन बी वाले परफेक्ट है, 60 डिग्री। फोर, एनसीसी का झंडा कब अपनाया गया था? 1947 में, 48 में, 49 या यहाँ पे 54 है, ठीक है 54 में। एनसीसी का झंडा कब अपनाया गया था? चले जल्दी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1954। ठीक है, वो मिस्टेक हो गया, ध्यान देंगे आप, 1954 में अपनाया गया। ठीक है, एनसीसी का झंडा। फिफ्थ, उड़न सिख को किसके नाम से जाना जाता है? मिल्खा सिंह, पीटी उषा, मेजर ध्यानचंद या नीरज चोपड़ा? उड़न सिख को किसके नाम से जाना जाता है? गुड जोश, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिल्खा सिंह को। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मैथ का क्वेश्चन है, 10 सेकंड का टाइम दूंगा। 1 से 100 के बीच में कितनी बार 3 आता है? 20 बार, 18 बार, 21 बार या 19 बार? 10 सेकंड इसके लिए मिलेगा, सॉल्व करें सभी लोग और आंसर बताएं। सारे क्वेश्चन भर्ती के पूछे गए हैं, ऑल इंडिया में सेम, तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लास्ट तक टेस्ट देना 20 क्वेश्चन। ध्यान दें, 1 से 100 के बीच कितनी बार 3 काउंट करो, 3, 13, 23, 30, 31, 32, 33, इसमें 2 बार है, 34, 35, 36, 37, 38, 39, उसके बाद 43, 53, 63, 73, 84, 93, इतने ही बार आता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए होगा 20 बार, इसलिए मैंने सॉल्व करके बता दिया पूरा। 7, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, अजीतनाथ, संभावनाथ या ऋषभदेव? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 8, संचार के क्षेत्र में नया नेटवर्क कौन सा आने वाला है? 2G, 3G, 4G या 5G? संचार के क्षेत्र में नया नेटवर्क कौन सा आने वाला है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 5G, अभी इसका ट्रायल शुरू है। 9, एनसीसी का मोटो कब अपनाया गया था? 16 जुलाई 1948 को, 15 जुलाई 1948 को, 12 अक्टूबर 1980 को या 16 अप्रैल 1948 को? इस देख रहे हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो नहीं पढ़ेंगे फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। करेक्ट आंसर होगा एनसीसी का मोटो 12 अक्टूबर 1980 को अपनाया गया, ऑप्शन सी वाले सही है, ये पूरा याद रखेंगे ठीक है डेट के साथ। 10, भारत और चीन का सीमा रेखा किस नाम से जाना जाता है? LOC, रेडक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन या LAC? इंडिया और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से दो देश पाक स्ट्रेट से अलग होते हैं? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और श्रीलंका या भारत और नेपाल? कौन से दो देश पाक स्ट्रेट से अलग होते हैं? करेक्ट आंसर होगा भारत और श्रीलंका, ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 12, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने,
गैलीलियो गैलीली ने या मार्टिन कूपर ने टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। क्वेश्चन नंबर 13, भारत और चीन के बीच प्रथम युद्ध कब हुआ? 1947 में, 62 में, 65 में या 71 में? भारत और चीन के बीच प्रथम युद्ध कब हुआ था? फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा एक ही बार हुआ, 1962, बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 14, पूरे भारत में एनसीसी के कितने ग्रुप हेडक्वार्टर हैं? देख रहे हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा और भर्ती में पूछा है, 15, 16, 17, 18। पूरे भारत में एनसीसी के कितने ग्रुप हेडक्वार्टर हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 17, मतलब वो है डायरेक्टरेट्स, ग्रुप का हेडक्वार्टर, ठीक है, बस भुला आपको फंसाने के लिए, भुलाने के लिए इस तरह से पूछ दिया। 15, ईवीएम का फुल फॉर्म लिखें, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या इलेक्ट्रिकल वोटर मशीन। ईवीएम जो हम लोग वोट देते हैं ना उस टाइम पे मशीन यूज होता है, उसका फुल फॉर्म होता है, तो जिन्हें स्पेलिंग नहीं पता आप फंसेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो आप स्पेलिंग पूरा याद रखेंगे, ठीक है। 16, भारत में पहला T20 कब जीता? 1 दिसंबर 2007 को, 7 दिसंबर 2008 को, 15 जुलाई 2009 को या 1 दिसंबर 2006 को? भारत ने पहला T20 कब जीता? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 दिसंबर 2006। इसको आप लोग एक बार फिर से सर्च करके देख लेंगे कि 2006 भैया साथ है, ठीक है, बट अभी 2006 वाले सही हैं। 17, 1 से 100 तक जोड़ने पर कितना आता है? 5000, 5050, 5060 या 5080? 10 सेकेंड, भर्ती में पूछा है पिछले साल, 1 से 100 तक जोड़ने पर कितना आता है? फिर मैं आपको सॉल्यूशन भी बता दूंगा, फॉर्मूला पे है ये। तो गिनती की संख्या लगातार एन संख्या का सम होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन कितना 100 है, 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 से 50 टाइम्स, तो आ गया 50 मल्टीप्लाई बाई 101, इसको करेंगे तो 550 आएगा, ठीक है। तो जिनका आंसर बी है 5050 आप परफेक्ट हैं। 18, ICC का फुल फॉर्म लिखे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट कोर्ट, इंडियन क्रिकेट काउंसिल या इंटरनेशनल क्रिमिनल काउंसिल? फुल फॉर्म ऑफ ICC, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 19, तिरंगे झंडे की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? लंबाई 3 फिट, चौड़ाई 3 फिट, लंबाई 4 फिट, चौड़ाई 2 फिट, लंबाई 3 फिट, चौड़ाई 2 फिट या लंबाई 3 फिट, चौड़ाई 4 फिट? मतलब लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ नेशनल फ्लैग, कभी कभी रेशियो पूछता है। करेक्ट आंसर होगा लंबाई 3 फिट और चौड़ाई 2 फिट, अगर रेशियो पूछेगा तो 3:2, ठीक है, लेंथ ब्रेथ का, सी वाले सही है। लास्ट क्वेश्चन 20, एनसीसी का प्रथम डीजी कौन थे? कर्नल जीजी बैबूर, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार एच या जनरल मनोज पांडे? हुआ द फर्स्ट डीजी जो होते एनसीसी के हेड, सबसे पहले कौन थे? तो एनसीसी का प्रथम निदेशक वही, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नल जीजी बैबूर। आज के विनर कौन करें जल्दी कमेंट करें, 20 में 20 जिसका सही, सभी को कांग्रेचुलेशन, आपने कितना सही का कमेंट करके बताया। और डेली टेस्ट देंगे और डेली रात को 8 बजे लाइव क्लास, तो सबसे पहले सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। नेक्स्ट होगा कल क्विज़ 25, अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।